नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन दोस्तों ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री कैसे करते हैं, वो आज लाइव हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस अगर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन को अगर आप मार्केट में जाते हैं ऑनलाइन कराने के लिए, तो आपको वहां से कई सारा चार्ज आपसे लिया जाता है, जबकि ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। अगर आप ऑनलाइन भी इस एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, तो गूगल पे कई सारा पोर्टल बना हुआ है जो दोस्तों आपसे वहाँ पर चार्जेज डिमांड करता है, यानी कि वो सब प्राइवेट पोर्टल है जहाँ पर दोस्तों आपको चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन वही गूगल पे अगर आप गवर्नमेंट के साइट पर जाते हैं, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे कि कैसे पहचानना है कि वो गवर्नमेंट का साइट है। तो अगर आप गवर्नमेंट के साइट पे जाते हैं, तो बिल्कुल फ्री जो है दोस्तों, वहां से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से घर बैठे कर सकते हैं। और एक और बात हम आपको यहां पे बता दें कि दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विदाउट ओटीपी के कैसे अप्लाई करना है। यानी कि ओटीपी का मतलब होता है कि जब आप इस रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तो वहां पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आपका आधार कार्ड डिमांड करेगा, और दूसरा जो है दोस्तों मोबाइल नंबर आपसे डिमांड करेगा। अब मोबाइल नंबर आपका वो मैच करेगा जो नंबर जो है, मोबाइल नंबर भी डिमांड नहीं करेगा, डायरेक्ट आप नाम और आधार कार्ड डालिए और वो डायरेक्ट जो है दोस्तों ओटीपी आपके उस मोबाइल पर सेंड करता है जो मोबाइल आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, वो नंबर ही जो है डेड हो चुका है, यानी कि कब का बंद हो चुका है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो ओटीपी कैसे प्राप्त करेगा। और ओटीपी अगर मिलता नहीं है, तो प्रोसेस आगे का आपका एमएसएमई का ऑनलाइन एप्लीकेशन बढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों लाइव इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विदाउट ओटीपी, यानी कि अगर आपके पास वो नंबर अवेलेबल नहीं भी है, तो भी आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको मोबाइल कंप्यूटर के अपने स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहाँ पे लाइव दोस्तों आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए आपको करना क्या है, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। देखिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, और इस तरीके से सर्च करेंगे तो कई सारा पोर्टल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो है दोस्तों प्राइवेट पोर्टल है, यहाँ पे आपको चार्जेज पे करना पड़ेगा। तो याद रखिए आपको गवर्नमेंट के साइट पे जाना है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट किया हुआ है udyogaadhar.gov.in, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक कर दिया और इस तरीके से जो है दोस्तों देखिए गवर्नमेंट का पोर्टल जो है ओपन होकर आ चुका है, और यहाँ पे हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, यानी कि जिसके नाम पे अप्लाई करना है उसका आधार नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे डाल के आपको दिखा देते हैं, याद रखना है आपको उसी का आधार नंबर डालना है जिसके नाम पे दोस्तों आपको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हम आधार नंबर डाल दिए, और नेम ऑफ इंटरप्रेनर का यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी कि जिसके नाम से आपको कराना है, जिसका आधार नंबर डाले हैं, आधार पे जो नाम होगा वही नाम यहाँ पे डालिएगा, तब जाके सक्सेस करेगा दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं, जो आधार कार्ड पे नाम डाला हुआ है वही नाम हम यहाँ पे डाल के आपको दिखा देते हैं। तो आपको वही नाम डालना है, ये ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड पे जो होगा वही डालिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपका मिस्टेक होगा तो फिर ये हमेशा के लिए मिस्टेक रहेगा। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से डालिएगा, और जब डालने के बाद नीचे देखिए वैलिडेट एंड जेनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा, और देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ओटीपी इरर, यानी कि ओटीपी दोस्तों डायरेक्ट ये उस मोबाइल नंबर पे भेजता है जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होता है, ये ध्यान रखिए। यानी कि ये ओटीपी आपके उस आप मोबाइल नंबर पे चला गया होगा। अब कई बार होता क्या है कि वो मोबाइल नंबर दोस्तों चालू नहीं रहता है, तो कैसे हम उसको ओटीपी लेंगे। तो बिल्कुल जो हम आपको बताए थे कि विदाउट मोबाइल नंबर का जो है अप्लाई यहाँ पे करना है, तो अगर आप आधार कार्ड लिंक नहीं है तो लिंक करने के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक कर लीजिए, लेकिन अभी हम लिंक करने के चक्कर में नहीं फंसेंगे, टाइम ज़्यादा जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है दोस्तों, इस पर क्लिक हेयर का जो ऑप्शन है उस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से होगा क्या, प्रोसेस जो है डायरेक्ट आगे बढ़ जाएगा, यानी कि कोई मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डिमांड नहीं करेगा। तो थर्ड वाले ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है। इसीलिए हम आपको बताए थे कि विदाउट मोबाइल नंबर जो है बिना ओटीपी का दोस्तों हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। अब देखिए इस तरीके से जो है प्रोसेस आपका आगे बढ़ चुका है, और रेड कलर का देख रहे हैं दिखा रहा है वी हैव रजिस्टर्ड टू एमएसएमई, यानी कि जिस नाम से दोस्तों हम कर रहे हैं उस नाम से पहले से दो किया हुआ अप्लाई, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप नए होंगे तो आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा, जैसे कि नीचे वाला फॉर्म सब देख रहे हैं उस तरीके से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आधार हैज बिन वैलिडेट सक्सेसफुली दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ पे
सोशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जाति जिस कैटेगरी के अंतर्गत आता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जनरल रहने देते हैं, जनरल पे है तो आपका जो भी होगा उस पर टिक करना है। जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका जेंडर है यहाँ पे, तो फीमेल हम टिक कर लेते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो में ऑलरेडी टिक किया हुआ है, छोड़ देना है। नेम ऑफ इंटरप्राइजेज, यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरप्राइजेज का नाम डालना है, यानी कि आप अपने कंपनी का नाम जो भी डालना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे डालना है। तो ध्यान रखिए, कोई नाम आप सोचे होंगे अपने कंपनी के लिए तो नाम जो है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो देखिए हम कोई एक नाम यहाँ पे डाल के आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से नेम ऑफ इंटरप्राइजेज यहाँ पे हो गया। और 7 नंबर जो है दोस्तों, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी संगठन के प्रकार, आपकी जो कंपनी है वो किस टाइप का कंपनी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट लेना पड़ेगा। पार्टनरशिप है आपका, खुद का है, या फिर ज्वाइंट है, ये सब देखिए आपको जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कई सारा ऑप्शन आपके सामने ये ओपन करके देगा। देखिए यहाँ पे हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव, पब्लिक लिमिटेड। तो प्रोप्राइटरशिप अगर आपका खुद का होगा तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट कीजिएगा, पर्सनल अगर आपका होगा तो, बाकी सोसाइटी का होगा तो सोसाइटी पे कर दीजिएगा। तो देखिए जो मेरा है हम उस पर क्लिक कर देते हैं। पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, पैन नंबर ठीक उसी तरीके से जिसका आधार नंबर डाले थे उसी का पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे लोकेशन आपको डिमांड कर रहा है, यानी कि लोकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का जगह आपको डालना है, याद रखना है आपको खुद का जगह यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे जहाँ पे आपकी कंपनी है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से जो है, जो भी फॉर्म में जो डिमांड कर रहा है, जो जिस बॉक्स में, वो आप डाल लीजिए। इस तरीके से हम आपको डाल के दिखा दे रहे हैं। याद रखिए बॉक्स में जो चीज़ डिमांड कर रहा है वहीं आप डालिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दीजिएगा, कहीं का बॉक्स का कहीं का एड्रेस डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं है। बॉक्स में अगर बिल्डिंग डिमांड कर रहा है तो बिल्डिंग ही डालिए, सिटी डिमांड कर रहा है तो सिटी ही डालिए, ऐसा नहीं सिटी वाले में डिस्ट्रिक्ट जाके डाल दीजिए, ऐसा ये सब आपको नहीं करना है, जो डिमांड है वही डालिए। और जब अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, अगर परफेक्ट है तो ऐड प्लांट वाले ऑप्शन पे जाके आपको टिक कर देना है, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ऐड प्लांट वाले ऑप्शन पे जब टिक करेंगे तो इस तरीके से बॉक्स आपके सामने बनकर आ जाएगा, यानी कि जो आप अप्लाई किए थे, अगर गलत होगा, इरर होगा तो डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑफिशियली एड्रेस आपसे डिमांड कर रहा है, यानी कि ऊपर वाला जो था वो प्लांट का एड्रेस था, लेकिन नीचे क्या है 10 नंबर में ऑफिशियली एड्रेस, आप डीलिंग कहाँ से करेंगे, आपका एड्रेस कौन सा होगा, तो उसका एड्रेस जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों में सेम ही एड्रेस डाल सकते हैं, और कभी ऐसा होता है कि ऑफिस अलग होता है और प्लांट का एड्रेस अलग होता है, तो उस तरीके से अगर दो एड्रेस होगा तो दो एड्रेस आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम डाल देते हैं ऊपर जैसे डाल दिए थे प्लांट वाले में, और यहाँ ऑफिस का एड्रेस जो है वो हम आपको यहाँ पे डाल के दिखा देते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। पिन कोड आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड डाल लीजिए। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए जो अभी आपके पास अवेलेबल हो, आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नहीं डालना है, आपके पास जो नंबर अवेलेबल अभी है वो डालिए। एक ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी ऐसा डालिए जो दोस्तों आपके पास अवेलेबल हो, यानी कि उस पर ये ओटीपी भेजेगा, तो ये ध्यान रखना है। चालू ईमेल आईडी जो है अभी आपको डालना पड़ेगा, यानी कि जिसका पासवर्ड आपको ध्यान होगा, जिसको आप ओपन करके यहाँ से ओटीपी जो है उठा सकते हैं, तो ध्यान रखना है वैसे डालिए। डेट ऑफ उद्यम के प्रारंभ तिथि डालना है, यानी कि जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले का तिथि डालिएगा, याद रखिए सेम डे का डेट आपको नहीं डालना है। प्रीवियस ईएमआई, यानी कि आपके पास अगर पहले से कोई एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेकर डाले हुए हैं तो डाल दीजिए यहाँ पे, और नहीं है तो नोट पे डाला हुआ ऑलरेडी टिक किया हुआ है। 13 नंबर में आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो भी बैंक है आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में है उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल दीजिए। पासबुक पे चेक कीजिए, आपके पासबुक पे आईएफएससी कोड लिखा हुआ होगा। फिर यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर उसका डालना है जिसके नाम से दोस्तों आप अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। मेजर एक्टिविटी, आप मैन्युफैक्चरर है या फिर सर्विस करते हैं वो टिक कर लीजिए, यानी कि आप कोई सामान का निर्माण करते हैं या फिर सिर्फ खरीद और बेच करते हैं, तो वो आप यहाँ पे टिक कीजिए। एनआईसी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा 15 नंबर में, यानी कि जो भी सामान आप बनाते हैं उसका सिर्फ आप यहाँ पे नाम टाइप कीजिए, तो ये जो है ऑनलाइन ऑटोमेटिक आपका एनआईसी कोड ये देगा। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, आप जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर सर्विस करेंगे उसका नाम डालिए, तो ऑटोमेटिक जो है दोस्तों यहाँ पे ये ऑनलाइन आपके सामने टेक्स्ट करके देगा, उस पर से आप जाकर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एनआईसी 2 डिजिटल कोड
तो इस बॉक्स वाले पे जाके आपको क्लिक कीजिए, फिर वहाँ भी आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप टिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी होगा उस पर हम टिक मार देते हैं। फिर देखिए NIC, इसमें हम मैन्युफैक्चर ऑफ डाल देते हैं। NIC 4 डिजिटल कोड में भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसी तरीके से NIC 5 वाले में आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि 5 डिजिटल कोड डालना है, और उसी तरीके से के ऐड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये भी बॉक्स बनकर आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर गलत होगा तो फिर डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्म जो भी भरिएगा अच्छे तरीके से, जो आपका परफेक्ट होगा। पर्सन इम्प्लॉयड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, यानी कि आपके कंपनी में कितने व्यक्ति काम करते हैं उसका संख्या आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जितना पर्सन होगा उतना डाल दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट आपके कंपनी में कितना है वो आपको डालना पड़ेगा, याद रखिए 1 लाख से कम का यहाँ ऑप्शन नहीं आता है। अगर आप 25,000 या फिर 50,000 डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते, इसमें कम से कम 1 लाख में ही ऑप्शन दे रहा है, तो 1 लाख में आपको डालना पड़ेगा। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है RS in lakhs। ठीक है, तो आपको ये डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट कर देना है, जिला उद्योग का कार्यालय कहाँ पे होता है, DIC आपका कहाँ पे है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको पता होगा DIC कहाँ पे है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म अच्छे तरीके से आप चेक कर लीजिए कि परफेक्ट है, तो सबमिट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। लेकिन एक बार ऊपर हम देख लेते हैं फॉर्म को कि कहीं इरर तो नहीं दिखा रहा है, अगर इरर नहीं दिखा रहा होगा तो सबमिट वाले ऑप्शन पर जाके हम क्लिक कर देंगे। परफेक्ट है तो सबमिट वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। देखिए RU श्योर दैट यू हैव इंटर्ड करेक्ट डाटा, पूछ रहा है आपका डाटा करेक्ट है, अगर करेक्ट है तो ओके वाले ऑप्शन पर जाके आपको क्लिक कर देना है, चूंकि हम ऑलरेडी करेक्ट डाले हुए हैं, कोई इरर नहीं दिखाया है तो डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे ये एक OTP दोस्तों उस ईमेल ID पे डाला होगा, जो ईमेल ID अभी अभी आप डाले हैं, जहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि परफेक्ट ईमेल ID डालिए जो आपके पास अवेलेबल हो, यानी कि चालू हो, तो वो सब देख लीजिए आप। आपके ID पे गया होगा पासवर्ड, वहाँ पे चेक कर लीजिए। तो हम अभी जाते हैं अपने, देखिए मेरे ID पे एक पासवर्ड आया हुआ है, तो इस पासवर्ड को कॉपी करते हैं और डायरेक्ट जो है इस OTP कोड वाले ऑप्शन में हम डाल देते हैं। ID प्रूफ आपको डालना पड़ेगा, आधार कार्ड का फ्रंट साइज याद रखिए KB में डालना है, 50 KB से ज़्यादा जो है इमेज का साइज नहीं होना चाहिए। तो इमेज का साइज छोटा या बड़ा कैसे करते हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को भी देख कर आप कर सकते हैं अगर इमेज आपका बड़ा होगा तो। ID प्रूफ नंबर डालना है, यानी कि आपके आधार कार्ड का नंबर जो है आप यहाँ पर डाल दीजिए, या फिर जिस ID को आप यहाँ पर डालते हैं उसका नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। वेरिफिकेशन कोड डिमांड कर रहा है नीचे वाला, देखिए बॉक्स में जो डाला हुआ है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो नीचे जो टेक्स्ट किया हुआ है वो हम डाल देते हैं, और डालने के बाद फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। पूछ रहा है RU श्योर डाटा यू हैव इंटर्ड करेक्ट, अगर करेक्ट है तो बॉक्स में टिक करके ओके वाले ऑप्शन पर जाके आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। यहाँ पर देखिए क्या दिखाता है, देख लेते हैं। योर डाटा हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली, मोमेरेंडम MSME विल वेरीफाई योर डाटा इज, एवरी डाटा विल बी करेक्ट, यू विल गेट उद्योग आधार मेमोरेंडम ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल विद इन 24 आवर्स। अगर डाटा दोस्तों आपका करेक्ट होगा तो 24 घंटा के अंदर जो है आपके ईमेल ID पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, और अभी हम 24 घंटा यानी कि एक दिन बाद अपने ईमेल पे चेक कर रहे हैं। देखिए वेलकम मेल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ MSME आ चुका है मेरे ईमेल ID पे। देखिए यहाँ पे उद्योग आधार नंबर यानी कि UMA नंबर देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, मेरे ID पे आ चुका है, यानी कि सर्टिफिकेट दोस्तों हमको मिल चुका है। देखिए यहाँ पे एक लिंक दिए हुआ है जो कि प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, अगर उद्योग आधार हमको यहाँ पे प्रिंट करना है तो उस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस होने में। और देखिए इस तरीके से जो है दोस्तों MSME का रजिस्ट्रेशन मेरे सामने ओपन होकर आ चुका है, जिसका सर्टिफिकेट आप लाइव यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए लेकिन देखने के लिए सबसे पहले UAM नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कि अभी अभी मेरे ID पे डाला था, मेरे ID पे आया हुआ था, यानी कि उद्योग आधार नंबर, तो वो उद्योग आधार नंबर हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर दोस्तों हम अप्लाई करने के समय डाले थे याद रखिएगा। तो अपने ID से UAM नंबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाले हुआ इस तरीके का आपके ID पे होगा, उसको कॉपी करके क्या करना है इसमें UAM नंबर में पेस्ट कर देना है, और मोबाइल नंबर जो अप्लाई करने के समय डाले थे डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों बन के तैयार हो चुका है, और लाइव सर्टिफिकेट आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से जो है दोस्तों आप भी घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आप भी MSME का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करके ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।